नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। नोएडा का एक इंजीनियर जो अपनी काली कमाई से अरबों की संपत्ति का मालिक बन बैठा, जी संगम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में लगातार जुटा है और यादव सिंह से जुड़े हर खुलासे को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंद्रह लाख की तनख्वाह, अरबों का साम्राज्य, एक ही लॉकर में करोड़ों के जेवरात, बाकी 12 लॉकर्स में कितना खजाना, काली कमाई का कुबेर। तो यादव सिंह के 13 लॉकर्स के राज जानने के लिए जांच एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिए हैं। अब तक 6 लॉकर से करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं, लेकिन इनमें से एक लॉकर ऐसा है जो खुला तो हर किसी के होश उड़ गए। जी हां, काली कमाई के इस कुबेर के पास करोड़ों नहीं अरबों का खजाना है। बंगले, लग्जरी गाड़ियां, शेयर, हीरे, जवाहरात, जमीन और कंपनियां। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके सोने की लंका का हल सच दुनिया के सामने आ रहा है। यादव सिंह के भ्रष्टाचार का तिलिस्म ऐसा है कि जो कोई इसके नजदीक जाता है, दौलत के काले साम्राज्य की चमक देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तक की जांच में यादव सिंह के 13 लॉकर्स का खुलासा हुआ है, जिसमें करोड़ों की दौलत होने की बात कही जा रही है। इनमें से 6 लॉकर अब तक खोले जा चुके हैं, जिनमें करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं। लेकिन इनमें से एक लॉकर ऐसा भी था जिसे खोलते ही जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अब हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये खुलासा है यादव सिंह के एक लॉकर से जुड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यादव सिंह का नोएडा में एक और लॉकर खोला गया है। सेक्टर 18 में पीएनबी के इस बैंक में जब यादव सिंह का लॉकर खोला गया तो भ्रष्ट इंजीनियर के खजाने को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस लॉकर से करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात निकले हैं। यादव सिंह का साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ है, इसकी तह पाने के लिए इनकम टैक्स की कई टीमें लगी हुई हैं। अगर हम बात करें यादव सिंह के लॉकरों की, तो अब तक 6 लॉकर खोले जा चुके हैं और कल जो लॉकर खोला गया था जो कि पीएनबी बैंक में है, उस लॉकर से हीरे जवाहरात इतने मिले इनकम टैक्स विभाग की टीमों को कि उसको जौहरी तक बुलाना पड़ा। और इतने हीरे जवाहरात थे कि जो जौहरी था वो गिनते गिनते हीरों को थक गया। जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है कि करीब 6 अधिकारी इनकम टैक्स के यहाँ पर आए थे और 2 घंटे तक बैंक के अंदर रहे। करोड़ों रुपए के हीरे बैंक लॉकर से मिले हैं, इस बात की पुख्ता जानकारी है। और अभी तक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 6 लॉकर अब तक खुल चुके हैं और बाकी जो लॉकर अभी तक खुले थे उसमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे, जिसमें नामी और बेनामी संपत्ति दोनों ही थे। पीएनबी में यादव सिंह के इस लॉकर से इतने हीरे जवाहरात निकले कि जांच अधिकारियों को इसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए जौहरियों को बुलाना पड़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि हीरे जवाहरात की गिनती करते हुए एक जौहरी बेहोश तक हो गया। मेरी समझ से तो इस वक्त जो अफसर हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसा है नहीं, अब वो तो इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देखता है 10%, 15%, 20%। जिनके पास फ्री का पैसा आ रहा है और बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और जो दिखा नहीं सकते, वो लोग हीरा खरीद रहे हैं बड़ा। मेरी समझ से तो ये एक तरीका है खूब बड़े पैसे को एकदम कंसोलिडेट करके छोटा करने का। तो आप 100 करोड़ रुपए का हीरा आप जेब में लेके घूम सकते हैं, और वैसे 100 करोड़ रुपए आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो टाटा 407 भी कम पड़ेगी। बहरहाल यादव सिंह को लेकर खुलासों का दौर जारी है। आने वाले दिनों में अरबों के काले साम्राज्य के कई और चौंकाने वाले सच दुनिया के सामने आने की उम्मीद है। लखनऊ से विवेक तिवारी और गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा के साथ नोएडा से अमित चौधरी, जी मीडिया। तो खजाना देख जौहरी बेहोश। यादव सिंह के लॉकर से नहीं, उसके घर से भी आयकर विभाग को करोड़ों की संपत्ति के कागजात के साथ सोने और हीरों के जवाहरात मिले थे।
काली कमाई का किंग कहे जाने वाले नोएडा के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के भ्रष्टाचार के तिलिस्म का एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। उसके लॉकरों की जांच से यादव सिंह की काली कमाई की फेहरिस्त लंबी हो रही है। यादव सिंह के 13 में से 6 लॉकर्स खोले जा चुके हैं, जिनसे करोड़ों की संपत्ति के कागजात बरामद किए गए, जबकि नोएडा के एक लॉकर से करोड़ों के हीरे जवाहरात मिले। अभी तक खोले गए 6 लॉकर से ही मिली करोड़ों की संपत्ति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काले धन के कुबेर यादव सिंह के पास कितनी काली दौलत है। जिस तरीके से यादव सिंह के ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है, उसमें या तो संपत्तियों के कागज मिल रहे हैं या हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। शुरू की रेड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उस वक्त भी 2 किलो डायमंड ज्वेलरी और 2 किलो के आसपास ही गोल्ड ज्वेलरी यादव सिंह के घर से मिली थी। ठीक उसी तरीके से जो यादव सिंह के लॉकर हैं उनमें भी गुप्त धन लगातार मिल रहा है। अभी तो 6 लॉकर खोले गए हैं और 6 लॉकरों से ही बड़े खुलासे हुए हैं। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की जो टीमें हैं उनको इस बात की उम्मीद है कि जब बाकी लॉकर और खोले जाएंगे तो उनमें भी अथाह संपत्ति निकलने की उम्मीद है। इससे पहले भी यादव सिंह के घर जब छापेमारी की गई थी तो उसके घर से मिले हीरे जवाहरात देखकर हर कोई हैरान रह गया था। उस वक्त यादव सिंह के बंगले से आयकर विभाग को करोड़ों रुपए कैश और प्रॉपर्टी के कागजात के अलावा 2 किलो हीरे के गहने, 1 किलो सोने के गहने, हीरे के कई सेट, सोने के जड़ाऊ कंगन, 9 लखा हार और गहनों के गिफ्ट पैकेट मिले थे। यादव सिंह की संपत्ति का ब्यौरा सुनकर हर किसी के होश उड़ रहे हैं, चाहे वो आम लोग हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी या नेता। यूपी के राज्यपाल भी यादव सिंह के हीरे जवाहरातों को देख हैरान हैं। ये मामले की खोज चल रही है और मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको गंभीरता से देखकर इतनी संपत्ति कैसा कोई अर्जित कर सकता है इस पर विचार करें और दोबारा ऐसा कहां उदाहरण देखने के लिए न मिले इसके लिए कोई बंदोबस्त भी करे। अभी यादव के कई लॉकरों का राज सामने आना बाकी है। जब इसके दरवाजे खुलेंगे तब सामने आएगी कई और चमचमाती तस्वीरें। नोएडा से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यादव सिंह के ठिकानों पर आईटी के छापों के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए। आखिर कैसे एक सरकारी मुलाजिम काली कमाई का किंग बन गया, रिपोर्ट में देखिए। बंगले, लग्जरी गाड़ियां, शेयर, हीरे, जवाहरात, जमीन और कंपनियां, क्या एक सरकारी मुलाजिम के पास इतना कुछ हो सकता है? जरा सोचिए, महज 1.25 लाख की तनख्वाह वाले इंजीनियर के पास क्या 1,000 करोड़ की संपत्ति हो सकती है? लेकिन यादव सिंह नाम के इस शख्स ने काली कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आयकर विभाग की जांच जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे यादव सिंह की काली कमाई की परतें भी खुलती जा रही हैं। यादव सिंह का साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ है, इसकी तह पाने के लिए इनकम टैक्स की कई टीमें लगी हुई हैं। अगर हम बात करें यादव सिंह के लॉकरों की, तो अब तक 6 लॉकर खोले जा चुके हैं और कल जो लॉकर खोला गया था जो कि पीएनबी बैंक में है, उस लॉकर से हीरे जवाहरात इतने मिले इनकम टैक्स विभाग की टीमों को कि उसको जौहरी तक बुलाना पड़ा। यादव सिंह से जुड़ी 60 कंपनियों का पता चला है। छापेमारी में इनकम टैक्स अफसरों को 12 बोरे कागजात मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बरामद कागजात जमीन से जुड़े हो सकते हैं। जो लॉकर अभी तक खुले थे उसमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे, जिसमें नामी और बेनामी संपत्ति दोनों ही थे। और जिस तरीके से यादव सिंह के ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है, उसमें या तो संपत्तियों के कागज मिल रहे हैं या हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। यादव सिंह के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग को ऑडी कार में 10 करोड़ रुपए का कैश तो मिला ही है, साथ ही फॉर्च्यूनर कार में बैग में मिले रुपयों की गिनती अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के अलावा यादव सिंह की संपत्ति एटा, आगरा और मथुरा समेत दूसरे शहरों और प्रदेशों में भी हो सकती है। आखिर नोएडा अथॉरिटी और राज्य भर में ऐसे कितने यादव सिंह हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन यादव सिंह जैसे लोग फलते फूलते रहते हैं। कुछ सालों की सरकारी नौकरी में लोग जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है
यादव सिंह ने भी रातों रात इतनी अकूत संपत्ति नहीं इकट्ठा की होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर यादव सिंह को 35 सालों तक किसी ने क्यों नहीं रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नोएडा के महाघोटाले के आरोपी यादव सिंह का मामला आज यूपी कैबिनेट की बैठक में उठ सकता है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है। यादव सिंह मामले में आईटी अगले सप्ताह ईडी को रिपोर्ट सौंपेगी। बताया जा रहा है कि आईटी विभाग अगले सप्ताह यूपी सरकार को भी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल यादव सिंह के कुछ लॉकर्स अभी खुलने बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद आईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के जिला कारागार में अजय नाम के कैदी ने जहर खा लिया है। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। कैदी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजय नाम का यह कैदी नौबस्ता थाना इलाके का रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर एक कैदी ने जहर खा लिया है और इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। अजय नाम का यह कैदी है, उसने जहर खाया है। यह कैदी नौबस्ता थाना इलाके का रहने वाला है। तो कानपुर का यह पूरा मामला है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अजय नाम के कैदी ने जहर खाया है। कैदी की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। लखनऊ कोर्ट परिसर में पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल पर कुछ वकीलों ने हमला कर दिया। पूर्व सांसद को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बनवारी लाल के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पुलिस ने 8 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हमले के विरोध में व्यापारी संगठन एकजुट हो गया है। व्यापारियों ने कल दुकानें बंद रखने और धरना देने का ऐलान किया है। मारपीट की ये तस्वीरें हैं लखनऊ के कोर्ट परिसर की, जहां पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल पर कुछ वकीलों ने अचानक हमला बोल दिया और बीच सड़क बनवारी लाल की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। बीच सड़क वकीलों ने बनवारी लाल को मुर्गा बना दिया और सरेआम उन्हें सड़क पर घुमाते रहे। वकीलों की दादागिरी इस कदर हावी रही कि किसी ने वकीलों को मारपीट करने से नहीं रोका। इस बीच पुलिस भी नदारद दिखी। बनवारी लाल के मुताबिक कुछ वकील दुकान पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था, और उसी का नतीजा है कि जब वो कोर्ट में तारीख पर आए तो करीब 25 वकीलों ने हमला बोल दिया। ये घटना, मुझे आशंका है कि जो अभी शिवाजी मार्ग पे कुछ वकील लोग जो एक दुकान पे कब्जा करने आए थे और हम लोग सब इकट्ठे हो गए थे और उनको कब्जा नहीं करने दिया, इसी का उन लोगों को मलाल था और इसी कारण से उन्होंने मारपीट की। हमें सीढ़ियों से घसीटते हुए तीन मंजिल से लेके आए, बाहर मारते रहे। इसके बाद बलरामपुर के गेट तक हमको मारा, हमारी चेन छीन ली, हमारी सदरी निकाल ली, उसमें मोबाइल था हमारा वो निकाल लिया और गिरा गिरा के उन्होंने जूतों से मारा। मारपीट के दौरान बनवारी लाल को काफी चोटें आई हैं। हालांकि अभी इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में आरोपी वकीलों पर मामला दर्ज करा दिया गया है। इस संबंध में श्री बनवारी लाल कंचल ने अभी एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने 8 व्यक्तियों को नेम्ड किया है और इसमें 395 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
ये सभी व्यक्ति आठ जो हैं ये एडवोकेट्स हैं। बनवारी लाल कंसल जी का मेडिकल करा दिया गया है और उनकी आंख में बाएं साइड थोड़ी सूजन है, चोट है। एक तरफ लखनऊ के एसएसपी शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन 20 सड़क घटी ये घटना पुलिस की कार्यशैली को ही कटघरे में खड़ी कर रही है। तीसरा, हमारी प्राथमिकता आधुनिकीकरण में ही हम ये भी चाहेंगे कि हमारे सारे वाहन जीपीएस सिस्टम से लैस हो जाएं, जिससे कि, और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लग जाए जिससे कि हर वक्त सीनियर ऑफिसर्स देख सके उनके सारी फ्लीट 200-300 व्हीकल्स कहाँ पर हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। बनवारी लाल कंचल पर हुए इस हमले के विरोध में व्यापारी संगठन एकजुट हो गए हैं और कल लखनऊ में सभी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बनवारी लाल कंचल यूपी के बड़े व्यापारी नेता हैं। वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। पहले वो बीजेपी में थे लेकिन बाद में एसपी में शामिल हो गए। कंचल लखनऊ का एक जाना पहचाना चेहरा है। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरह 20 सड़क वकीलों ने कानून की धज्जियां उड़ाई उससे तो एक सवाल खड़ा होता ही है कि कानून का पाठ पढ़ाने वाले वकीलों को कानून की सीख कौन देगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली हमला हुआ है। यहां के सुकमा में सीआरपीएफ के 4 कैंपों पर नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने यह हमला गोरखा, भिजी, कोटा, इटारपल्ली कैंपों पर किया है। नक्सलियों की फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी सुकमा में हमला किया गया था और इसमें कई जवान मारे गए थे। और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है। सुकमा को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन सरकार नक्सलियों पर काबू करने में कोई छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली हमला हुआ है। इससे पहले भी सुकमा में हमला हुआ था जिसमें कई जवान मारे गए थे और बहुत से जवान घायल भी हुए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता रंजीत से। रंजीत, इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति है, जानना चाहेंगे आपसे। जी अंकित, मैं आपको बताना चाहूंगा, नक्सली द्वारा 4 सुरक्षा बल कैंप पर लगातार रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। हालांकि जो कोंटा बेस कैंप है वहां पर कुछ देर में अभी फायरिंग रुक गई है, लेकिन वही गोरखा भेजी और जो इटारपल्ली जो कैंप है वहां पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग अभी भी जारी है। आपको बताना चाहूंगा इटारपल्ली जो कैंप है वहां पर अभी नया कैंप वहां पर सुरक्षा बलों का स्थापित किया गया है, जिस पर नक्सली सबसे ज्यादा फायरिंग कर रहे हैं। वही सुरक्षा बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग यहां पर शुरू की गई और पूरी मुस्तैदी के साथ उनका डटकर मुकाबला यहां पर सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। जी रंजीत, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी सुकमा में 14 जवान शहीद हुए थे और 2 अफसर मारे गए थे, लेकिन सरकार नक्सलियों पर रोकथाम पाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाई? यहाँ तक बात अगर इस इलाके की जाती है तो यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी तरह से नक्सलियों के पक्ष में है। यहाँ पहाड़ी इलाका है और घना जंगल है, जिसका फायदा हमेशा से नक्सली उठाते आए हैं। 1 दिसंबर को जो वारदात हुई थी जिसमें 14 जवान शहीद हुए हो गए थे, उसमें भी नक्सलियों ने इस पहाड़ी इलाका और जहां पहाड़ था वहीं पर एंबुश लगा के सुरक्षा बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें 14 जवान शहीद हो गए थे। तो नक्सली इस बात का फायदा, वहां का जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा हमेशा से नक्सली उठाते आए हैं और जो हमारे सुरक्षा बल है उन्हें यहीं पे चलते जो वहाँ के जो इलाका उस बारे में अच्छे से परिचय नहीं रहता तो उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है। जी तो शुक्रिया रंजीत जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली हमला हुआ है। यहाँ के सुकमा में सीआरपीएफ के 4 कैंपों पर नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने यह हमला गोरखा, भिजी, कोटा, इटारपल्ली कैंपों पर किया है। नक्सलियों की फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई इस वक्त जारी है। और आपको बता दें, सुकमा में ही 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए थे। इस नक्सली हमले की जांच शुरू हो गई है। पूरे मामले की जांच
डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। सीआरपीएफ के आईजी एचएस सिद्धू ने मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। चिंता गुफा के कसालपार में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के दो अधिकारियों समेत 14 जवान शहीद हो गए थे। जांच अधिकारी खुफिया सूचना में मिली चूक की जांच के साथ ऑपरेशन में शामिल रहे सीआरपीएफ के अधिकारियों और अस्पताल में भर्ती जवानों के बयान दर्ज करेंगे।